So hey everyone, welcome to the channel. I'm Jay, that random girl, and I make videos on makeup, fashion, and many more things like haul. And I want to try more things like traveling vlogs and all. So yes, आज करने वाले हैं बहुत ही सारा different video. Like मैं Meesho पे ही video बनाऊंगी, पर मैं बनाने वाले कुछ decor का haul, because मैंने अभी recently अपने room का थोड़ा सा makeover किया है. तो यस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को. बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो चलो शुरू करते हैं. करने वाली हूँ मैं डेकोर ऑल, बट साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन और एक शॉप ई करके शॉपी करके एक ऐप है, लाइक क्लाउड फैक्ट्री टाइप का ही एक ऐप है शॉपी, उस पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली है जो कि मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में मिल रहे थे. तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दी थी वो चीज़ें, बट मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई थी. सो यस, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो मैंने सोचा कि कुछ लाइक पार्ट में डिवाइड कर दूँ. पहले मैं मीशो वाली चीज़ें दिखा दूँगी, उसके बाद आपको शॉपी, फिर लास्ट में अमेज़ॉन वाली चीज़ें दिखाने वाली हूँ. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेकओवर किया है रूम का. तो यस, चलो शुरू करते हैं. तो गाइस, जो पहली चीज़ है वो है ये शेप, और ये शेप मेरे को बहुत ही क्यूट और प्यारा लगा. एक्चुअली मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो पे देखा था, बट उनको किसी ने गिफ्ट किया था लाइक गोवा वगैरह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो आई वाज लाइक कि मेरे को मिले तो मैं ज़रूर लूँगी. सो या, और ये थोड़ा सा लाइक ट्रैवल वाला वाइब देता है. सो या, आई रियली लाइक इट. और ये मुझे कुछ 200 समथिंग का मिला था, एंड आई रियली लाइक इट. मतलब इसका क्वालिटी बहुत अच्छा, और इसे पैक हो गया था, मुझे लगा ये टूट फूट गया है. बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे, तो मुझे लगा कि अरे यार रिटर्न करना पड़ेगा, पता नहीं कैसा आया होगा, छोटू सब कुछ लगा ऐसा इतना पड़ा. तो क्योंकि इतनी सी पैकेजिंग जितना ये है उतनी ही इसकी पैकेजिंग थी. सो यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके यहाँ पे इमेज एंड प्राइसेस एवरी थिंग कोड यहाँ पे आप लोग खुद देख जाएगा. सो गाइस, नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को कुछ प्लानर वगैरह भी दिखा देती हूँ, बिकॉज लाइक हमें तो चाहिए कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए और हमें सब कुछ लिखने के लिए. सो आई गॉट दिस प्लानर, और मैंने काफ़ी सारे महंगे महंगे प्लानर भी देखे हैं जो कि 1800 रुपीज़ के, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा. बट उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं लाइक वाटर इनटेक, पीरियड्स एंड ऑल, वो सब भी मेजर कर सकते हो आप कब आ रहे हैं कब नहीं. सो बट ये बहुत ही सिंपल सा प्लानर है, और इसमें लिखा है फॉलो योर ड्रीम, इसी भी मुझे बहुत ही प्रिटी लगा था. सो क्योंकि मुझे चाहिए था, सो ये नहीं मिल गए. और ये स्काई ब्लू कलर है, थोड़ा कलर दिखाई दे द कलर ऑफ द प्लानर लिखा हुआ था रैंडम गर्ल. और इसमें पहले पेज पे है दिस प्लानर बिलोंग्स टू यू, आप लोगों को प्रॉपर यहाँ दिख जाएगा कि कैसे दिखता है. आई थिंक यहाँ पर तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी पता था शो यू वो बोली, बट मैं आपको खाली बात बता दी. सो याद जैसे मतलब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एक साइड में अपनी एक्टिविटी और टिक कर सकते हो. तो मतलब ये पूरा मंथली का स्प्रेडर है, एक मंथ का नहीं मतलब डेली स्प्रेडर है ये, सॉरी. और नेक्स्ट इसका जो है वो है मंथली स्प्रेड, आप लिख सकते हो यहाँ पे कौन सी मतलब हर मंथ में कौन सा इसका डेट है, डेट बर्थडे भी लिख सकते हो पूरे मंथ के. साइड में स्पेस है, और आगे जाके आपको ये रूल लाइंस मिल जाएगी. थोड़ा सा चीपर क्वालिटी का है, पर अच्छा काम करता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और मैंने काफ़ी सारी इसमें चीज़ें लिख रखी है, प्लान कर रखी फॉर फ्यूचर वीडियोज. हैव सो मेनी आइडियाज टू शूट है, ठीक है. थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि रूम टूर वगैरह भी आने वाला है. थोड़ा सा मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, मैं मेकअप कलेक्शन सब कुछ आपको धीरे धीरे दिखेगा. सो यार, मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना सेफर साइड थोड़े हॉल्स वगैरह पहले किए जाते हैं. डू समथिंग मोर थिंग्स, एंड मैं लिखा था एक बुद्धा. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पता नहीं क्यों, बुद्धा वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुल रहती है. सो दिस इज द बुद्धा, दिस इज द वाइट कलर्ड, वेरी प्रिटी, सो छोटू सा. एंड ये मैंने 187 आई थिंक का लिया था, और इसी का मतलब सेम डिज़ाइन टाइप का ही था, दैट इज़ फॉर 800 रुपीज़ मैंने, बट ये वाला ढूंढा और मुझे ये मिल गया मीशो पे, और उसी पे 800 का मिल रहा था. तो मैंने गलती से 800 वाला ऑर्डर कर दिया था, फिर मैंने देखा मैंने तो शिट तो गलत ऑर्डर कर दिया. सो यार, दिस इज़ द क्यूटेस्ट वन. तो मैंने ये रूम में डेकोर के लिए लिया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है पीस एंड ऑल, सो मेरी वाइफ से बहुत मैच कर. नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं. वो मैंने ली थी बहुत ही सुंदर सी एक वॉल ब्लॉक जस्ट वेज, और ये मुझे बहुत टुक 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 कर दिया, पता नहीं मुझे ये रखना है रूम में कि नहीं, बट ये है. ये बहुत ही प्रिटी सी वॉल ब्लॉक है, यहाँ पे एक मंडाला डिज़ाइन है, ब्राउनिश
मतलब कलर में है मंडाला और पूरी व्हाइट कलर दिया. सो आई वॉन्ट अ व्हाइट वॉच, मतलब ऐसा वॉच क्या वॉल क्लॉक. सो क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा देख भी होता है रूम में. सो या दिस इज द वॉच और मे चार होता है. सो दिस इज फ्रॉम मीशो एंड आई थिंक ये मैंने 200 समथिंग का लिया है. जो भी प्राइस आपको मैंशन हो जाएगी, कोड भी आपको मैंशन हो जाएगा. सो भी मैंने मीशो से लिया था. गाइस नेक्स्ट जो लिया था वो मैंने लिया था ये बहुत ही अच्छा है. मतलब ये एक्चुअली में एक मैक्रेमे है. मेरे को मैक्रेमे टाइप का कुछ चाहिए था अपने रूम में, बट ये मेरे को इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे पास दो प्लांट है वो भी सेम है बिल्कुल. उनका पॉट जो उनका जो पॉट है वो भी बहुत व्हाइट कलर का ही है, सेम ही है डिज़ाइन. तो मैंने सोचा क्यों ना ये लगाया जाए. आप लोगों को मेरे रूम टूर में लीजिए मैंने कहाँ क्या चीज़ें लगाई है. सो यस ये मैंने लिया था मीशो से. ये मैंने 150 समथिंग का कुछ का लिया था और इसमें दो प्लांट आप आराम से लगा सकते हो. आई थिंक 200 कुछ के लिए था जो भी है इजीली. और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ली है मैंने, वो मैंने मतलब अमेजोन पे भी सोचा था लूँगी. बहुत दिनों से बहुत लोगों को देखा था. सो दैट्स अ पूफ. सो या तो शो यू. तो ये पूफ ऐसा नहीं था, ये मतलब बहुत ऊँचा था. बट मैंने मतलब ना बैट बैट की शेप पे हो गई थी. सो या वैसे कोई इशू नहीं है इसमें, बट ये बहुत जल्दी आई थिंक स्क्वीज हो जाएगा अगर इसको बहुत लोग बैठेंगे तो. पता नहीं डोंट नो. सो क्वालिटी ठीक है, ओके ओके ही है. आई ऑर्डर फॉर आई थिंक 300 rupees. सो ठीक है 300 rupees में तो और क्या चाहिए. बेस्ट है यार, मतलब कुछ सामान रख क्या वीडियो शूट करने के लिए मैंने स्पेशली लिया है. तो थोड़ी बहुत सिटिंग भी कर सकते हैं उसको, मतलब अगर आप दोस्त दबा के प्रॉपर शेप में करना चाहो. आवाज़ आ रही है. सो ये इसके अंदर भी ना वो जो बीन बैग में होते हैं ना वही वाले होते हैं जो फोम के, वो ही है इसमें भी. सो ये आई थिंक बैठ जाएगा, बट ठीक है. आई गॉट इट फॉर आई थिंक 300 rupees एंड डीसेंट प्राइस, आई लाइक इट. सो वो अमेजोन से भी मंगाया था पहले, बट मुझे अमेजोन वाले बिल्कुल अच्छे लगे. उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो बहुत ही गंदा है. वो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, वो रिटर्न करना है, वो रिटर्न ही नहीं हो रहा है, कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है. सो आई कॉल देम एंड जस्ट रिटर्न दैट एंड या. सो ये मैंने मंगाया था मीशो से, जो कि बहुत ही प्रिटी है और इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है. सो ये वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे ग्रीन कलर के. एक्चुअली में इसमें आई थिंक 4 सेट आए थे. 4 आए थे फॉर आई थिंक 119 और समथिंग इतने कुछ का था. तो आप लोगों को वो तो दिख ही जाएगा और कितने भी से हो गया तो दिख जाएगा. तो ये मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी का बहुत ही अच्छा लगा. तो आप अमेजोन वाले तो मत लेना, मीशो से ले लेना, बहुत इजीली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट मुझे अमेजोन से बस एक ही चीज़ अच्छी लगी, बाकी सारी चीज़ तो मैंने रिटर्न कर दी थी. ओके दिस इज माई फेवरेट. सो दिस इज द लाइक मैक्रमे कुशन एंड ये भी मैंने लिया था पिंक कलर का, बिकॉज मेरी वॉल जो है थोड़ी अलग कलर की है जो इस पर वाइट पर मैच होगा. इस वॉल पर बिल्कुल मैच नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑरेंज पीचिश काइंड ऑफ वॉल. सो दिस इज लुकिंग मच बेटर फिट, मतलब मेरे सामने जो वॉल है. सो दिस इज लाइक आई थिंक वॉट इट फॉर 300 rupees और उससे कम का ही था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसलिए मैं सोच रही बेज में मंगाऊँ, बिकॉज दिस इज सो सॉफ्ट ऑल्सो, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है कि अगर आप सर रख के सो तो सो भी सकते हो. सो ये आई रियली लाइक इट और ये भी मैंने डिसेंट प्राइस में लिया था क्योंकि अमेजोन में बहुत महंगा मिलता है. सो या दिस इज़ फॉर मीशो ऑल और मैंने मीशो के चीज़ें ये ली थी. और इसके अलावा मैंने ली थी कुछ चीज़ें जो शोपे से ली थी, वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, देन फिर मूव ऑन टू अमेजोन वाला चीज़ लिया था. सबसे मेरा फेवरेट एक्चुअली मैं अमेजोन से ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, बट फिर मैंने कहा यार अमेजोन वाले तो लाइक मैं बताती हूँ वो प्राइस डिफरेंस कितना है. 499 का मैंने उससे अमेजोन से ऑर्डर किया था. उनके पास 7 फ्रेम दे रहे थे वो और क्वालिटी आई थिंक सेम ही होगी. आई डोंट थिंक सो इतनी बेकार होगी, इसकी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है. सो उसमें मेरे को 7 मिल रहे थे, बट एक सबसे बड़ा था, बाकी तो सेम साइज के मिल रहे थे. मतलब यही साइज था, लाइक 3 इंच साइज के थे, 3 इंच साइज के थे. सो मतलब सेम ही था. एक बड़े साइज के चक्कर में 499 का भी मिला, क्योंकि मेरे को जो सोफे पे मिले हैं वो मिले हैं मां 399 के. 399 के मुझे 12 फ्रेम्स मिले हैं, 12, दैट इज ह्यूज डिफरेंस. और ये मुझे मिले हैं 6 और ये भी मिले मुझे हैं 6, और वो मुझे 499 में, 100 rupees कम भी और 12 फ्रेम्स भी. तो मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टाइल किया. ये मैंने एक्चुअली मुझे पसंद था, बट ये प्रिंट ड्रेस थे ओबियसली मैंने डाला, बाकी सिंपल ही आता, कुछ नहीं आता इसके अंदर.
और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जैसा मतलब आया पैक के बहुत ही अच्छे से पैक होके आया था. सो यार दिस इज एक पिक्चर जो मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्चुअली मैं दे आर लाइक रिलेटेड टू माई लाइफ. तो वैसे ये मतलब सब इंस्पायर्ड होके तो करते हैं ना अपनी लाइफ. सो आई रियली वांट टू ट्रैवल समवेयर डूइंग माय फर्स्ट लाइक बाय एयर ट्रिप और ये एलेक्सा ब्रिंग मी कॉफी. सो या एलेक्सा आई हैव आई डोंट नो दैट. सो या तो ये मैंने फ्रेम लेते फॉर 399 के और बहुत ही चीप में मिल गया था. मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज. ओके तो हमने एक बार मीशो से एक शेल्फ देखे थे वो आप लोग यहाँ देख लीजिए मैंने कैसे करके बिल्ड किया है. वो शेल्फ कैसे देखते हैं ऐसे है कि वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया मेरी इस वॉल पे लाइक यहाँ पे ऊपर है. स्विफ्ट कार्ड सी मैंने बाकी सारा सामान भी इधर उधर से लेके आया क्योंकि मैं कोई हॉल बनाना था. मैंने सारी चीज़ें लगा दी सेटअप हो चुका है. सो या तो वो शेल्फ कुछ ऐसे दिखती है और मैंने उनको कुछ सेटअप किया था वो भी मैंने वीडियो शूट किया था तो आप लोगों को दिख चली थी. सो या वो भी मेरे को बहुत ही चीप प्राइस मिल गया लाइक 300 का मिला मुझे 299 समथिंग ऐसा कुछ है प्राइस. अब लोग स्क्रीन शॉट वगैरह तो दिखे जाएंगे. सो वो मुझे बहुत चीप प्राइस में मिल गया क्योंकि मैंने मीशो पे वो आई थिंक 400-500 का देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा चीप मिल गया. सो फिर वेरी गुड है आप ट्राई कर सकते हो. कोई स्पॉन्सर नहीं है सब कुछ कोई स्पॉन्सर दे भी नहीं है. सो हाँ तो स्पॉन्सर नहीं है मुझे मेरे को अपना रूम सेटअप करना तो मैंने सब चीज़ें मंगाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए. सो सेकेंड चीज़ वो थी सो गाइस जो मैंने थर्ड चीज मंगाई थी जो कि से वो थी ये लाइट एंड दिस थोड़ा सा स्पेंड किया. दिस इज द लाइट आई गॉट इट फ्रॉम देयर एंड ये थोड़ी आरजीबी लाइट है लाइक रेड ब्लू हर कलर का चलता है. इसके साथ एक रिमोट भी मिला था. दिस इज द रिमोट ये मुझे मिला था और ये लाइट ऐसा था और इस पर ना ये नहीं लगा था मैंने लगाया. सो दिस इज द लाइट दिख रहा है क्या. हाँ सो यार इसके साथ ये रिमोट मिला था. दिस इज इट और ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये मतलब फ्लिमजी है यार ये बार बार गिर जाता है. इसका स्टैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये जो है ये मैंने लगाया बट मैं आई थिंक आई रिमूव दिस डायरेक्ट तार से जोड़ना पड़ेगा इसको देखेंगे क्या करना है. बट बाकी यही है ये आई थिंक मुझे मिला था 250 समथिंग का मिला था और ठीक है मतलब उस क्वालिटी में तो ठीक है मतलब लाइट तो काम करती है बट ये कि बार बार हिल जाता है तो बार दिक्कत होती है फिर गिर जाते हैं. सो या पर ठीक है चला लेंगे काम. ओके सो या और क्या बताना और कुछ नहीं आता. सो यही था सोफी का और हम चलते हैं अमेजोन की तरफ. अमेजोन से मैंने बस दो ही चीज़ मंगाई थी. पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेजोन से ऑर्डर की थी और पे भी कर दिया था बट अमेजोन पे वो चीज़ें बहुत महंगी मिली थी जैसे फ्रेम हो गया और मैक्रेमे हो गया और भी सारी चीज़ें थी मतलब फ्रेम मैक्रेमे और क्या था शेल्फ ये सब चीज़ें बहुत महंगी थी अमेजोन से. तो मैंने सिर्फ दो चीज़ें मंगाई हैं अमेजोन से जो कि बहुत वर्थ इट है. एंड देखो पहला ये लिया था मैंने दिस इज लाइक टू पीस था इसका दो सेट था एक दोनों का था 149 समथिंग का कुछ का है वो आपको मेंशन हो जाएगा. सो ये मैंने लिया था तो ये मैंने लिया है दो और एक मैंने लगा दिया ऑलरेडी और इसमें वाइट पेंट करके लगाया क्योंकि मुझे वाइट थीम चाहिए था. सो इसमें मैंने मैक्रेमे जो लिया था आप लोगों को दिखाया उस पर मतलब उसको हैंग करने के लिए लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी है ये इतना बेकार क्वालिटी नहीं है बहुत अच्छा है. और मैंने एक चीज़ और ली थी लाइक गिटार हैंग करने का तो मैंने गिटार हैंग करने वाला तो लगा दिया है. सो दैट्स नॉट अ डेकोर थिंग दैट्स फॉर लाइक इम्पॉर्टेंट लाइक एसेंशियल लाइक काइंड ऑफ थिंग. सो या ओके तो हमारा लास्ट जो है अमेजोन का जो मेरा फेवरेट है मेरी परचेज है वो है ये आई गॉट दिस ब्यूटिफुल प्लांटर्स लाइक बहुत ही रियल लगते हैं नॉट अ फेक. आई मैंने एक यहाँ पे लगा रखा है और ये वाला भी मैंने इस साइड ही लगा रखा था इस साइड लगा रखा था मिरर पे बिकॉज ये बहुत प्रिटी लगता है. मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो रील्स बनाती हूँ शॉर्ट्स बनाती हूँ चेकआउट करो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आपको बहुत प्रिटी प्रिटी से लुक्स मिल जाएंगे मेरे वहाँ पे. सो या दिस इज द लास्ट पीस फ्रॉम अमेजन एंड आई रियली रियली लाइक इट. यू गाइस गो फॉर दिस लाइक 200 समथिंग का है और ये आइकिया का नहीं है. आइकिया पे भी बहुत सारे मिल रहे हैं ऐसे डिज़ाइन के बट ये मैंने किसी और ब्रांड से लिया जो भी ब्रांड आपको शो जाए यहाँ पे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट एंड डू एवरी गुड थिंग इन दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी मोर रील वीडियोज एंड फैशन ओवर देयर. सो ऑन 5K आई डू अ गिव अवे एंड आई टेल यू ऑन लाइक जैसे 5K होता है तो एक वीडियो जरूर आएगा उसके ऊपर की
आफ्टर 5K आई विल डू अ गिव अवे और उसके विनर कौन होंगे वो भी आप लोगों को जल्दी पता चलेगा. तो डू सब्सक्राइब द चैनल. यस, इसके अलावा आप लोगों को कोई और रिकमेंडेशन हो कि ये वाला वीडियो बनाओ, वो वाला वीडियो बनाओ, एंड या मैं बनाऊंगी सून एंड कमिंग लाइक मोर मीशो हॉल एंड मोर ट्रैवलिंग वीडियोज, ब्लॉग्स एंड मेनी मोर थिंग्स. So stay tuned for that. Till then, bye.